हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में आज मैं आपको बताऊंगा कंट्री का नाम प्रिंट करना। जनरली आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं इसी एंट्री को पास करके दिखाता हूं, ये परचेज अकाउंट, यहाँ पे परचेज वाउचर में मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। यहाँ पे वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग, यहाँ पर मैं कैश ही कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कराएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रेगुलर कर देंगे। रेगुलर करने के बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड, अब एक स्टॉक आइटम मैंने बना रखा है तो यहाँ पे 6 कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं 500 का एक। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं रख रहा। सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर भी यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो ये सीजीएसटी आ गया और फिर यहाँ पे एसजीएसटी भी आ गया। ये आ जाने के बाद इसको कंट्रोल ए से मैं डायरेक्टली एक्सेप्ट करा लेता हूँ। आप एंटर 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 करते हुए भी इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ, यहाँ से आकर के गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद के प्रेस कर लेता हूँ। आपको वही एंट्री दिखाई पड़ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब इस पर आप अल्ट पी करेंगे यहाँ पर आकर के और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्री नेम नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप कंट्री नेम नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपको स्टेट दिख रहा है जरूर, ठीक है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिख रहा है, लेकिन कंट्री नेम यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। देखिए कंट्री नेम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंट्री नेम कैसे आएगा इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए कंट्री नेम कैसे आएगा ये समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अल्ट के साथ पी एक बार प्रेस करना है, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद यहाँ पर नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रही है यहाँ पर कर दीजिए जाकर के एंटर, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर शो मोर का बटन आ रहा हो, यहाँ पे शो मोर दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है हेडर इंफॉर्मेशन में प्रिंट कंट्री विथ एड्रेस, तो यहाँ पर यस कर दीजिए इसको और कंट्रोल ए कर दीजिए। अब इसका हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अल्ट पी प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आई बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके कंट्री का नेम भी साथ में प्रिंट होकर आया हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ इंडिया नहीं दिख रहा था, जबकि अब जो है दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। तो योग की बात समझ में आई होगी कि अगर आपको कंट्री नेम प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।